Welcome to the class. Now this is the lecture series that we are starting on Ncert, and this lecture series, it will be containing the entire lectures on Ncerts, be it polity, be it history, be it geography, be it economy. तो सारे सब्जेक्ट्स हम इस Ncert का सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे. इट विल टेक अस अबाउट 6 months और सो. नाउ Ncert, ये जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि Ncert को कवर किस तरह से करेंगे, ताकि आप लोगों का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आ सके मेंस में. नाउ बिफोर आई डील विद दिस Ncert थिंग, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ Ncert. Now when it comes to NCRTs, they form basically the foundation of civil services preparation. ये एक बहुत important foundation है civil services के लिए, and we basically need to focus more on this foundational aspect. The more we will be focusing on this foundational aspect, उतना ही हमारा score जो है prelims में ज़्यादा बढ़ जाता है और mains में ज़्यादा बढ़ जाता है. तो सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए NCERTs फाउंडेशन में हेल्प करती हैं. आपका बेसिक कंसेप्चुअलिटी क्लियर हो जाता है, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है. एंड सेकेंडली जो NCERTs हैं, NCERTs आपका हर एक सब्जेक्ट का एक कोर वोकेबलरी भी डेवलप करता है, जो आपको मेंस में काम आता है. तो NCERTs दे विल बी हेल्पिंग यू इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. तो दोनों जगह पे आपको NCERTs हेल्प करेगा. तो दोनों जगह को, दोनों चीज़ों के लिए, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, NCERTs को हमें होलिस्टिकली कवर करना है. नाउ पहले जो मैं क्लासेस करता था, उन क्लासेस में हम करते थे लाइट बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, या हम PPTs बना के क्लासेस करते थे. बट दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ कंडक्टिंग द क्लासेस. इस क्लासेस में आप मुझे देख भी पाएंगे, एंड जो चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ वो मैं चीज़ यहाँ पे भी लिखूंगा. एंड आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग द कंटेंट जो हम कवर करने वाले हैं वो किस तरह से, ताकि आपको पता लगता रहे कि हम NCERT कौन सा कवर करने वाले हैं. एंड इन सारी NCERT क्लासेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने अपनी NCERTs, मतलब NCERTs को स्ट्रक्चर कर दिया, हमने NCERTs का जस्ट बना दिया है, ताकि आप सबके लिए NCERTs को करना आसान रहे. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये 6th class का NCERT है. दिस इज़ ऑल अबाउट ज्योग्राफी. And the 6th class का NCERT का the name is the earth our habitat. इसमें हम ये सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं. जो पहला टोटल मिला के इसमें 8 chapter हैं हमारे पास. सो इसको हमने पूरा जिस्ट को, मतलब पॉइंट वाइज कर दिया पूरे NCERT को कन्वर्ट. सो अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो नॉर्मल NCERT को भी पढ़ सकते हैं. बट अगर आप इस NCERT को पढ़ेंगे जो ब्रेनी आईज के द्वारा डेवलप की गई है, इस NCERT में सारा पॉइंट वाइज है, तो चीज़ें आपको ज़्यादा रिटेंशन रहने के ज़्यादा चांसेस हैं. सो यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो व्हाट आई विल एडवाइज यू इज, यू कैन डाउनलोड दिस NCERT फ्रॉम ब्रेनी IAS वेबसाइट. आई विल गिव द लिंक, आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो द फर्स्ट चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सेकेंड इज ग्लोब लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसके बाद में हमारे पास मोशंस ऑफ द अर्थ है, फिर मैप्स का चैप्टर है, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ, एंड इंडिया के बारे में, इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहला क्लास है NCERTs के बारे में. पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, हर एक, इवन सोशियोलॉजी एंड इवन पॉलिटिकल साइंस, उसका भी NCERTs का हम पूरा जस्ट क्लासेस यहाँ पर डालने वाले हैं एंड उनको कन्वर्ट करने वाले हैं. नाउ दिस इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये पहला चैप्टर है. इसको देखिए, इस तरह से पॉइंट वाइज हमने डिवाइड कर दिया है. बेसिकली ये NCERT ही है, बट NCERT का स्ट्रक्चर हमने बहुत अल्टर कर दिया है, ताकि क्योंकि UPSC आपको प्रीलिम्स में क्या पूछता है, UPSC आपको एक स्टेटमेंट देगा, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट. जब हम किसी भी टेक्स्ट को पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ने का कोशिश करते हैं, अगर हम उसको पैराग्राफ में पढ़ेंगे, पैराग्राफ में लाइन इस तरह लिखा रहता है, तो वी जनरली इग्नोर द कोर कंटेंट. जो स्पेसिफिक कंटेंट रहता है, जो फैक्ट रहता है, जनरली स्टूडेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं. बट जिस तरह से अभी हमने लेक्चर को डिज़ाइन किया है इस फॉर्म में, तो स्टूडेंट का मैक्सिमम रिटेंशन इस चीज़ में रहेगा. हर एक का पॉइंट बना दीजिए, सन इज़ अ स्टार, ये भी एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. UPSC बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स दे के भी UPSC पूछता रहता है. सो
इस तरह से हमने पिक्स भी ऐड की हुई हैं. सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट चैप्टर. और हमने खुद का ग्राफिक्स भी डिज़ाइन किया हुआ है, इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं इनको, जो राइट हैंड साइड में है. उसके बाद में ग्लोब लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का चैप्टर है, उसको भी हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है. मैप्स जो रिक्वायर्ड है उस तरह की पिक्स हमने पूरी डाल दी हैं एनसीईआरटी जस्ट में. ये एनसीईआरटी जस्ट का बुक्स बहुत लोगों ने पढ़ के पिछले साल पेपर क्रैक किया है. सो व्हाट आई विल एडवाइज यू इज यू कैन गो थ्रू दीज एनसीईआरटी क्लासेस. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज एनसीईआरटी क्लासेस, ये तो बेसिक चीज़ें रहती है एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी हम क्लासरूम में बहुत सारे स्किल डेवलप करते हैं, आपके रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल एंड थॉट डेवलपमेंट. एंड पूरा सिलेबस सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड मत रखिए. एनसीईआरटी सिर्फ एक बिगिनर कोर्स है, एक स्टार्टिंग का कोर्स है. नेवर कन्फ्यूज इट विद आईएएस प्रिपरेशन. दिस कैन नेवर रिप्लेस द होलिस्टिक आईएएस प्रिपरेशन. दिस कैन नेवर रिप्लेस द क्लासेज दैट वी डू इन द क्लास मोड. अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती हैं एंड यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर क्लासेज, यू कैन कम एंड ज्वाइन एट द चंडीगढ़ सेंटर. आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो बाय अवर वीडियो क्लास पैकेज. वीडियो क्लास पैकेज में एनसीईआरटी का बेसिक्स तो रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी क्लासेज, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स, वो सारी क्लासेज बहुत होलिस्टिक मोड में करवाई जाती हैं. एंड उसमें आंसर राइटिंग और मेंस का सारा एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, वो सब तो हम यहाँ पे नहीं कवर कर पाएंगे. यहाँ पे तो सिर्फ बेसिक कोर्स है एनसीईआरटी का, फाउंडेशन कोर्स. ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है, दोज हु आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और इन द सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और हु आर इन प्लस टू, who have thought about that they will be going for the civil services preparation. So in this way, I will be covering these entire NCERT classes. So this was just the introductory class. Iske baad mein NCERT cover karne ke baad, it is important that you must join our NCERT based test series. Total mila ke hum usme 15 test lenge aapka pura NCERT ke. Jaise geography 6th, 7th, 8th ka pehla test rahega. 9th, 10th, 11th एंड 12th का सेकेंड टेस्ट रहेगा. यू कैन ज्वाइन दैट टेस्ट सीरीज. इट इज़ अ वेरी वेरी नॉमिनली प्राइज्ड टेस्ट सीरीज दैट विल एक्चुअली गिव यू अ बूस्ट इन द प्रेपरेशन. एंड यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चंस पूछता है प्रीलिम्स में, उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा. अगर आपको कोई भी डाउट है सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन को लेके, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई सेल नंबर, दैट इज 84594 Penta 0. सो यू कैन विजिट दिस वेबसाइट brainyis.com. और बहुत सारी चीज़ें इस वेबसाइट के ऊपर हैं. बहुत अच्छा रैंक है इंडिया का अलेक्सा में हमारा वेबसाइट का. सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.